नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गूगल पे के न्यू अपडेट में गूगल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं 2022 में। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि गूगल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से आप गूगल पे अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गूगल पे अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जिससे कि गूगल पे से आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस सब पे बहुत सारे कैशबैक दिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गूगल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे उससे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का हैप्पी वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गूगल पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके यदि आप गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ रुपए का कैशबैक मिलेगा, जितना गूगल पे की तरफ से ऑफर होगा। तो ऑफर को पाने के लिए जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करके आप गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको कुछ रुपए कैशबैक मिल सके। गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपल इसको ओपन करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, तभी आप इसमें बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर को डाल देने के बाद में आपको नीचे मिलेगा नेक्स्ट का बटन, आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करके सिंपल इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा समय तक वेट करना है जब तक कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो ओटीपी को आपको यहाँ पे मैनुअली फिल कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप स्क्रीन लॉक यूज करना चाहते हैं या पिन लॉक यूज करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपनी चॉइस से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन लॉक को सिलेक्ट करता हूँ, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को। इसके बाद नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद गूगल पे को अनलॉक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल पे एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें बैंक अकाउंट को ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको होम पेज पर ही ऑप्शन मिल जाता है ऐड बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके आप गूगल पे में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। यदि बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको व्यू अकाउंट बैलेंस पर क्लिक करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा तभी तो आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस शो होगा। तो यहाँ से आप इस पर भी क्लिक करके आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जहाँ पे लिखो व्यू अकाउंट बैलेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो हमें ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। यदि आपके बैंक का नाम इसमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप अपने बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। बैंक का नाम सर्च हो जाने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ परमिशन मांगे तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपके जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो कौन सा सिम है, यानी कि सिम वन है या सिम टू है। तो फ्रेंड्स, हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सिम वन है, तो यहाँ से हम सिम वन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। कुछ परमिशन मांगे तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा समय तक वेट करना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो चुका है और यहाँ पे हमारा बैंक का आखिरी का चार नंबर भी दिख रहा है। दोस्तों, यदि आप अपने बैंक के साथ पहले से यूपीआई पिन को सेट कर ले होंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों, आप अपने बैंक के साथ पहले से जो यूपीआई पिन को सेट किए हैं उसी यूपीआई पिन को आप यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नए यूपीआई पिन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आप उस यूपीआई पिन को भूल गए या आप अपने बैंक के साथ पहले से कोई भी यूपीआई पिन को सेट नहीं किए हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको अपना एटीएम का डिटेल फिल करना है। सबसे ऊपर आपको अपना एटीएम कार्ड का आखिरी का 6 नंबर इंटर करना है और इसके नीचे आपको अपना एटीएम कार्ड का यहाँ पे वैलिड डेट इंटर करना है, मंथ और ईयर। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ओटीपी को डालना है चुका है। ओटीपी ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो इसको आपको मैनुअली डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे राइट का लोगो है, राइट का लोगो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एटीएम कार्ड का 4 नंबर का पिन डालना है।
एटीएम पिन डाल देने के बाद में आपको नीचे राइट क्लिक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको यूपीआई पिन को सेट करना है। दोस्तों किसी किसी बैंक में 6 नंबर का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आता है, किसी किसी बैंक में 4 नंबर का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 नंबर का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे 4 नंबर का यूपीआई पिन को सेट करेंगे। तो जो आप यूपीआई पिन को सेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। यूपीआई पिन को डाल देने के बाद में आपको नीचे राइट के लोगो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों कन्फर्मेशन के लिए आपको अपना यूपीआई पिन को दोबारा से डालना है। इसके बाद आपको नीचे राइट क्लिक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा समय तक वेट करना है जब तक कि आपका यूपीआई पिन सेट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूपीआई पिन सेट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे जो आप यूपीआई पिन को सेट किए हैं उस पिन को याद भी रखना है, क्योंकि आप जब भी अपने बैंक के साथ में यूपीआई ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो उस समय आपसे पिन मांगा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा गूगल पे अकाउंट बन भी चुका है, और गूगल पे से कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको होम पेज पर ही आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए कि आपको गूगल पे से बैलेंस चेक करना है तो आपको इसको डाउनलोड के नीचे आना है, और यहाँ पे मिलेगा आपको व्यू अकाउंट बैलेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जो यूपीआई पिन को सेट किए हैं 4 नंबर का या 6 नंबर का, उस पिन को आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको नीचे राइट क्लिक पर क्लिक करना है तो आपके अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों गूगल पे से कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि क्यूआर कोड का स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट का डिटेल फिल करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि गूगल पे से पैसे ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं, गूगल पे से मनी ट्रांसफर कैसे किया जाए, तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह के हेल्प वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, यू हैव अ नाइस डे।